गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ पटेल दीक्षिता फ्रॉम अश्रमिक विद्यालय किला पारडी। फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, यूनिट नंबर 7, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट फ्लोट एंड व्हाट सिंक। देन वी डिस्कस about some thing, why object are float on water. Then we discuss about dead sea. So friends, today we are discuss about the next topic, what dissolve, what did not, means kya dissolve hota hai और क्या डिसॉल्व नहीं होता। सो फ्रेंड्स, व्हाट मींस डिसॉल्व, हम डिसॉल्व किसे बोलेंगे। सपोज आपने एक बाउल लिया, उसमें आपने वाटर ऐड किया एंड उसमें कुछ शुगर, ओके, थोड़ी सी शुगर लेकर उसे मिक्स किया, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वाटर में जो शुगर थी वो आपको दिखाई नहीं देगी, ओके। सो वो क्या हो गई, पानी में घुल गई, तो उसे क्या बोलेंगे, डिसॉल्व, ओके। वो क्या हो गई, वाटर में डिसॉल्व हो गई। एन एग्जांपल, आप लेमन जूस बना रहे हो, ओके। सो लेमन जूस के लिए आप क्या करोगे, टेक वन ग्लास, एक ग्लास लोगे, उसमें लेमन जूस ऐड करोगे, देन शुगर सॉल्ट ऐड करके आप क्या करोगे, उसे शेक करोगे, ओके। सो जैसे ही आप उसे शेक करोगे तो सॉल्ट एंड शुगर जो है उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, ओके। क्लियर दैट व्हाट इज डिसॉल्व, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। वन संडे, ऑन संडे आयशाज कजिन ब्रदर हामिद कम टू हर हाउस टू प्ले। एज सून एज ही कम, he asked his aunt to make his favorite shakarpara, a sweet dish. So क्या हुआ, संडे को आयशा का कजिन ब्रदर हामिद उसके घर खेलने के लिए आया। As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite shakarpara. So जब वो खेलने के लिए आया तो उसने उसकी आंटी को, means आयशा की मम्मी को बोला कि उसे क्या खाना है, उसका फेवरेट डिश शक्करपारा। शक्करपारा एक स्वीट होता है, आपने देखा होगा, जो कि छोटा छोटा होता है एंड वो स्वीट डिश है जिसे हम ब्रेकफास्ट में भी लेते हैं या फिर टी के साथ भी लेते हैं, ओके। सो अम्मी सेड, लेट्स मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, देन आई विल मेक सम फॉर यू। अम्मी ने उसे क्या कहा, जब वो मार्केट से वापस आएगी तब वो उसे बना के देगी। Why don't you help me? आप मुझे हेल्प कर सकते हो। Take two glass of water and put a bowl of sugar in it. क्या करना है, टू ग्लास वाटर लेकर उसमें एक बाउल शुगर ऐड करना है। Then mix it till it dissolves. उसे कब तक मिक्स करना है, जब तक शुगर वाटर में डिजॉल्व ना हो जाए। हामिद थॉट, लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी। हामिद क्या सोचता है, लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, वो जैसे जैसे वो फास्ट फिनिश कर देगा वो वर्क, उसके बाद वो टीवी देख सकता है। सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिसॉल्व शुगर। सो हमें क्या करना है, हामिद को सम वेज मीन्स कुछ तरीके हामिद को बताना है जिससे कि शुगर क्विकली डिसॉल्व हो जाए। सो फ्रेंड्स, आप क्या करोगे तो शुगर फास्ट डिसॉल्व हो जाएगी, ओके। फर्स्ट वन, आप उसे स्पून से
मिक्स करोगे, ओके, स्पून से फास्ट मिक्स करोगे तो शुगर डिजोल्व हो जाएगी। एंड सेकेंड वे, आप जो वाटर लिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट में आपने वाटर लिया है, तो उसे आप क्या करोगे, गरम करोगे, ओके, उसे हीट दोगे तो शुगर फास्ट डिजोल्व हो जाएगी, ओके। सो नेक्स्ट डू दिस एक्सपेरिमेंट, ओके, क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। मेक ग्रुप ऑफ फोर फ्रेंड फॉर द एक्सपेरिमेंट। यू विल नीड 4 to 5 ग्लासेस और बाउल। हमें क्या करना है, 5 ग्लासेस लेना है, स्पून लेनी है, वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल। यहाँ पे टेबल में कुछ थिंग्स दी है, मीन्स कुछ मटेरियल दिए है, वो हमें लेना है। फर्स्ट वन इज सॉल्ट, सेकेंड वन इज सॉइल, थर्ड वन इज चॉक पाउडर, फोर्थ वन इज 1 स्पून मिल्क एंड फिफ्थ वन इज ऑयल, ओके। हमें क्या क्या लेना है, सॉल्ट, शुगर, चॉक पाउडर, 1 स्पून मिल्क एंड ऑयल, ओके। टेक सम वाटर इन ईच ग्लास। नाउ ट्राई टू डिजोल्व 1 थिंग इन 1 ग्लास। ऑब्जर्व डेट हैपन एंड ऑब्जर्व वॉट हैपन एंड नॉट इन द टेबल, ओके। सो हमें क्या करना है, हमने 5 ग्लासेस लिए हैं, स्पून ली है एंड वाटर लिया है, ओके। सो हम क्या करेंगे, सभी ग्लास में 5 ग्लास लिए, सभी ग्लास में हम क्या कर देंगे, फर्स्ट वाटर ऐड कर देंगे, ओके। वाटर ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें 1 ग्लास में हम सॉल्ट डालेंगे, सेकंड में सॉइल डालेंगे, थर्ड में चॉक पाउडर डालेंगे, फोर्थ में 1 स्पून मिल्क डालेंगे एंड फिफ्थ वन में क्या करेंगे, लास्ट में ऑयल डालेंगे, ओके। एंड सब में एक स्पून डाल देंगे तो स्पून से हम इजीली मिक्स कर सके, ओके। सो फर्स्ट वन में जिसमें हमने सॉल्ट डाला है उसमें हम देखेंगे डिड इट डिजोल्व और नॉट, सॉल्ट डिजोल्व हो रहा है या नहीं। तो आंसर क्या आएगा, सॉल्ट को वाटर में हम मिक्स करेंगे तो सॉल्ट क्या होगा, यस, सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा। वॉट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स। अगर हम उसे 2 मिनट्स मिक्स करेंगे, 2 मिनट मिक्स करके रहने देंगे तो क्या होगा, तो सॉल्ट कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, ओके। सॉल्ट कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, ओके। देन सॉइल, सेकेंड वन इज सॉइल। सो सॉइल डिजोल्व होगी, नो, सॉइल वाटर में डिजोल्व नहीं होगी। बट वॉट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स हम उसे ऐसे ही रहने देंगे तो क्या होगा, सॉइल सेटल डाउन हो जाएगी, ओके। सॉइल सेटल डाउन मीन्स वो ग्लास में नीचे सेटल हो जाएगी एंड जो वाटर है वो ऊपर आ जाएगा, ओके। एंड सम पार्टिकल्स जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे एंड सम पार्टिकल्स क्या होंगे, वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, मीन्स तैरने लगेंगे। जो सॉइल में इम्प्योरिटीज होगी या फिर सॉइल में जो लाइट पार्टिकल होंगे जो कि जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है, मीन्स वाटर से जो हैवी है, वो जो भी मटेरियल सॉइल में वाटर से हैवी है वो उसके वाटर के नीचे सिंक हो जाएगा, मीन्स वो डूब जाएगा एंड जो वाटर से हल्का है वो वाटर पे तैरने लगेगा, मीन्स फ्लोट होगा, ओके, क्लियर दैट। नाउ थर्ड वन इज चॉक पाउडर। सो चॉक पाउडर में क्या होगा, चॉक पाउडर डिजोल्व होगा, नो, ओके, डिजोल्व नॉट। एंड वो भी क्या होगा, चॉक पाउडर थोड़ा सा वाटर में मिक्स हो जाएगा एंड सम पार्टिकल्स आर सिंक ऑन वाटर, ओके। थोड़े पार्टिकल्स क्या होंगे, वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे एंड थोड़े पार्टिकल्स वाटर में डूब जाएंगे, ओके। देन 1 स्पून मिल्क, हम मिल्क अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो मिल्क वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, यस, इट्स डिजोल्व, ओके। एंड व्हाट हैपन
आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट्स ऐसे ही रहने देंगे तो क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, वो जैसे था वैसा ही रहेगा. देन व्हाट इट डिसॉल्व और नॉट. ओके, सो डिड इट डिसॉल्व और नॉट. सो ऑयल अगर हम मिक्स करेंगे तो ऑयल मिक्स नहीं होगा. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट्स हम ऐसे ही रहने देंगे तो क्या होगा, ऑयल जो है वो वाटर पे फ्लोट होगा. ओके, वाटर पे क्या होगा, फ्लोट, फ्लोट ऑन वाटर. ओके, क्लियर दैट. सो जो भी वाटर से हल्का होगा वो वाटर पे फ्लोट करेगा, एंड जो वाटर से हैवी होगा वो वाटर के नीचे बैठ जाएगा. ओके, क्लियर दैट. नाउ नेक्स्ट इज टेल. कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिसॉल्व इन वाटर, इफ नॉट व्हाई. कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर दिस इट डिसॉल्व इन वाटर, क्या आप वाटर में सॉल्ट को देख सकते हो डिसॉल्व होने के बाद. नो. ओके, वाटर डिसॉल्व के बाद हम उसे नहीं देख सकते, बिकॉज वाटर जो है उसमें सॉल्ट कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है एंड क्लियर सॉल्यूशन बना देता है. सो हम सॉल्ट को नहीं देख सकते. ओके, देन डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट. इफ इट हैज़ देन वेयर इज द सॉल्ट. अगर हम वाटर में सॉल्ट को नहीं देख सकते, वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व होने के बाद हम वाटर में सॉल्ट को नहीं देख सकते, तो सॉल्ट गया कहाँ, वेयर इज द सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ गया. सो सॉल्ट क्या हुआ, वाटर में डिसॉल्व हो गया, मिक्स हो गया. ओके, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विथ सॉल्ट एंड द वाटर विथ चॉक पाउडर आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम. सो समटाइम्स, आफ्टर समटाइम्स मीन्स हमने सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया एंड चॉक पाउडर को वाटर में डिजोल्व किया. सो आफ्टर समटाइम्स क्या हुआ, जो सॉल्ट था जो हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया था वो क्लियर सॉल्यूशन में बदल गया. ओके, मीन्स उसका जो है वो क्लियर सॉल्यूशन बन गया. एंड आफ्टर सम टाइम हमने देखा तो जो सॉल्यूशन जैसा था वैसा ही था. एंड जो चॉक पाउडर का सॉल्यूशन था उसमें क्या था, चॉक के जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो गए थे. ओके, वाटर का जो ग्लास है उसमें नीचे सेटल हो गए थे. ओके, सो डिफरेंट क्लियर हो गया. सॉल्ट में उसका सॉल्यूशन जो था जैसा का वैसा ही था, मीन्स सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो गया था एंड चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए थे, नीचे सेटल डाउन हो गए थे. ओके, देन विच ऑफ द टू कुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्ट्रेनिंग विथ क्लोथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर. ओके, सो विच ऑफ द टू वुड यू एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्ट्रेनिंग विथ अ क्लोथ. सो क्लोथ से हम उसे स्ट्रेनिंग करेंगे, मीन्स उसे छान लेंगे, तो दोनों में से जो सॉल्ट का वाटर था एंड चॉक पाउडर का जो वाटर था उसमें से हम सेपरेट किसे कर सकेंगे. सो सॉल्ट कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुका है तो उसे हम स्ट्रेन नहीं कर सकते. ओके, उसे छान के सॉल्ट को उसमें से सेपरेट नहीं कर सकते, बट चॉक पाउडर को हम क्लोथ से अगर स्ट्रेन करें वाटर को तो चॉक पाउडर को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट. व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड एन आर्ग्यूमेंट. सो एक्सपेरिमेंट के दरमियान, एक्सपेरिमेंट के टाइम आयशा एंड हामिद में आर्ग्यूमेंट हो गई. व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यूमेंट क्या थी. आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टीयरिंग इट
द सॉइल डिजॉल्व इन वाटर। सो ऐसा ने क्या कहा कि जब स्टीयर कर रहे थे तो ऑयल जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो गया एंड हामिद डिड नॉट एग्री। हामिद उसमें एग्री नहीं था कि ऑयल जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। ओके सो फ्रेंड्स, आपने कभी देखा है ऑयल को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो ऑयल क्या होता है, वाटर पे फ्लोट होता है, मीन्स तैरने लगता है। बट जब स्टीयर करते हैं उसे, जब हम स्पून से स्टीयर करेंगे, शेक करेंगे, तो वाटर में वो क्या होगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। ओके सो ही सेड लुक द टाइनी येल्लो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टील बी सीन इन द वाटर। सो टाइनी येल्लो ऑयल ड्रॉप्स क्या होंगे, वाटर में देखने को मिलेंगे। ऐसा सेट लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड धैन सी। ऐसा ने क्या कहा, थोड़े देर वेट करो एंड उसके बाद देखो। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन द वाटर, वाई डू यू थिंक सो। सो आपको क्या लगता है कि ऑयल जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा? नो, ऑयल क्या होगा, वाटर पे फ्लोट होगा, मींस तैरने लगेगा। ओके सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डिजॉल्व एंड व्हाट नॉट। ओके सो आपको ये एक्सपेरिमेंट आपके घर पे करना है एंड यहाँ जो टेबल दिया गया है उसमें पूरा टेबल को, टेबल में राइट डाउन करना है कि जो आपका आंसर आता है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डिजॉल्व एंड व्हाट नॉट। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।